देश के किसान पूरे देश के किसान बर्बाद करना चाहते हैं। क्या क्या बात है, देश के किसान को बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं होगा, ये देश का किसान, ये 5 लाख ट्रैक्टर मेरे किसान है, मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान की मेरी जिम्मेदारी है, इस किसान को बर्बाद नहीं होने दूंगा देश के। आज अचानक क्या हुआ पूरा घटनाक्रम बताइए। बीजेपी पार्टी लगी सारी किसान को बर्बाद करने लगी, नहीं छोड़ने को, ये बिल भी वापसी होंगे, बिल भी वापसी होंगे, अगर बिल वापसी नहीं हुए, अगर कानून वापसी नहीं होंगे तो राकेश टिकेत हाथ भट्टा करेगा। साजिश खुल गई जी, आप रो रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैंने आप खाली क्यों नहीं कर रहे हो? क्या नहीं खाली करने का? हुआ क्या नहीं खाली करने का? नहीं खाली करने का? नहीं, मेरे मेरे किसान को मारने की कोशिश करी जा रही है, ये साजिश है, किसान को मारने की साजिश बीजेपी के लोग कर रहे हैं। यहाँ पर जितने यहाँ पर लोग हैं उनके मारने की साजिश रची जा रही, बीजेपी के विधायक यहाँ पे हैं, उनके 300 लोग यहाँ पे हैं, लाठी डंडों और गोलियों से मौजूद है, यहाँ के पुलिस प्रशासन 2000 पुलिस के लोग यहाँ पे मौजूद है, ये अत्याचार है किसान के साथ में, देश के किसान के साथ में गद्दारी है, ये नहीं होगा, नहीं होने का। मैंने 7 दिन तक साथ दिया, अपने किसान को मैंने यहाँ पे बुलवाया, सुरक्षित यहाँ से वापसी भेजा, लाल किले पर झंडा यहाँ पे मोदी के साथ में फोटो खिंचवाने वाले ने कहा जब तक कार्रवाई नहीं होगी, अगर पुलिस प्रशासन यहाँ पर आएगा उसका इल्जाम वो पूछ लेगा। गाँव के लोगों से अपील है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, और आएंगे किसान के साथ में धोखा हो जाएंगे, कानून वापसी हो गए जिस कॉज के लिए आए हैं। भ्रष्टाचार हो रहा और पुलिस की वर्दी में पहरा हुआ जवान रो रहा है, मतलब गुंडागर्दी, पुलिस प्रशासन और बीजेपी के लोग गुंडागर्दी कर रहे। हमने बीजेपी के खिलाफ कभी एक शब्द नहीं कहा, हमने हमेशा सम्मान करा है उनका। ये लोग भी भाई है जो जवान है मेरे, ये बड़ाई मेहरबानी करके ये स्थान खाली करते हैं, ये यहाँ से रोड जो है ये खाली कर दो आप, हम लाठी खाएंगे, आप गोली खाएंगे, आपको जो कर रहा है हमारे ऊपर अत्याचार करो, ये रात को यहीं बैठे हो अक्सर लोग बैठे हैं भाई, मेरे जवानों से ये है, हमने तरफ देख लिया आपका, जिस तरह से यहाँ पे अधिकारी की आंखों में पानी है, जिनके साथ में हमने 60 दिन गुजारे, आज वे रोते हुए हमने पुलिस के कर्म देखे। सारे प्रेस के लोगों का भी धन्यवाद है कि आपने भी बहुत साथ दिया, लेकिन यह गुंडागर्दी कि हमारे लोगों के पास में हम गिरफ्तारी के लिए तैयार थे, हमें कागज दे दिए और उसके बाद में यहाँ पे हमारे जाने के बाद में हमारे लोगों के साथ में क्या अत्याचार यहाँ पे होगा, मैं नहीं जाऊंगा, आज भी दम तक नहीं रहूंगा। अगर प्रशासन करेगा कान खोल कर सुन लो, प्रशासन कोई कोशिश करेगा तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। राकेश टिकैत ने कहा है कि ये है यही चाहिए, ये फंदा यही लगेगा, अगर यहाँ पर प्रशासन आएगा फंदा यही लगेगा, यहाँ पर कोई प्रशासन नहीं किया आएगा, शांति से गिरफ्तारी दे, लेकिन नहीं जाऊंगा धरना छोड़कर अपने लोग के बीच में, जिन लोगों ने सम्मान दिया, जिस सरदार बिरादरी ने सम्मान दिया, नहीं जाऊंगा उनको छोड़कर, छोड़ के किसी आप जाओ, आप यहाँ बैठो बैठो, लंगर भंडारे चलाओ बैठो, सारे साथी कृपया बैठ जाओ, रात यहीं पर रहेंगे सारे साथी, हम यहीं बैठेंगे, जो पीछे हैं सारे आगे आ जाओ, यहीं बैठ जाओ, यहीं दरी बिस्तर यहीं लगाकर सब लोग, लंगर भी यहीं चलेगा, सारे लोग बैठ जाओ यहाँ पर, आप किसान हैं सारे यहीं बैठेंगे, हम कोई नहीं जाएगा यहाँ से, पीछे जो साथी है सबको बुला लो, सारे नीचे आ जाओ उतर के, सारे बैठो, सारे जो डिवाइडर पे सारे साथी नीचे आ जाए, बैठो नीचे उतर कर, सारे सारे बैठ जाओ नीचे उतर कर, पीछे तक बैठ जाओ सारे, कोई कमजोर नहीं है सारे पास।